फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बरसात में उगने वाले बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट वाल्सम या गुलमेंदी। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से और बिना किसी खास देख रेख के चलने वाला बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। सीजनल कह सकते हैं, क्योंकि बरसात से लेकर सर्दियों तक तो चलता है, लेकिन गर्मी जब बढ़ने लगती है तो मार्च के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाता है और बीज के थ्रू बड़ी आसानी से लगता है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो उसी पर पूरी बात करेंगे, किस तरह की मिट्टी हो, कितना बड़ा पॉट साइज हो, कैसी धूप चाहिए और कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बीज के थ्रू। इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और इसके बीज बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो बीज ले लीजिए, आप चाहें तो पौध ले लीजिए, और आप चाहें तो तैयार पौधे नर्सरी में अवेलेबल होते हैं उन्हें ले लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। दूसरी बात है कि बीज के थ्रू अगर हम उगाएंगे तो काफ़ी कम कीमत में हमारे पास बहुत सारे पौधे तैयार होंगे और बहुत सारे कलर वैरायटी में आता है, बेहतरीन बेहतरीन कलर होते हैं, गुलाबी, सफ़ेद, मैरून, लाल और कई तरीके से होता भी है, सिंगल पेटल, डबल पेटल। सो गाइस, ये देखिए, ये हैं गुलमेंदी के बीज और कितने छोटे छोटे से हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इनकी पौध तैयार करें और फिर तैयार पौध को अपनी मनचाही जगह हम ट्रांसफ़र करें। तो इस तरह एक गमला ले लिया है और इसमें 20% सैंड है, 30% कंपोस्ट है और 50% है मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल। हाँ, फंगीसाइड मिला लिया है क्योंकि बरसात में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, वैसे भी हमेशा फंगीसाइड ज़रूर मिला लेना चाहिए। तो इस तरह से एक एक करके बीज को डाल देंगे, दूर दूर स्प्रिंकल कर देंगे और एक पतली सी लेयर मिट्टी की इसके ऊपर बिछा देंगे। और मिट्टी को मैंने पहले से ही गीला करके रखा है, अब बाद में हम पानी नहीं डालेंगे। कारण ये है कि बीज बहुत छोटे हैं और बाद में अगर हम पानी डालेंगे तो हो सकता है ये सारे बीज एक ही जगह जाकर इकट्ठे हो जाएं, बाद में पौध जब तैयार होगी तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो जब छोटे बीज लगाने हों तो गमले की मिट्टी पहले से ही आप अपनी गीली कर लीजिए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, इनको लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लगते हैं। और दिखाती हूँ, 3 दिन के अंदर ही इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। 3 दिन पहले मैंने कुछ बीज यहाँ डाले थे और देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। सो देखा गाइस, कितने छोटे छोटे से बीज हैं। तो इनको लगाने का दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग पॉट्स में बीज लगाइए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक ही जगह इनको ग्रो कीजिए और जब इनकी पौध तैयार हो जाए 15 से 20 दिन के बाद, जब इनके पौधे बन जाए तब आप इनको अलग अलग मनचाहे जगह पर ट्रांसफ़र कीजिए। और पॉट साइज की बात करें तो 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छा प्लांट चलेगा और उससे कम में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सीजनल प्लांट कुछ थोड़े ही समय के लिए आते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती नहीं है। तो आप चाहें तो कितने छोटे से छोटे पॉट में भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पॉट में इसको लगाना चाहते हैं। पॉट साइज अगर बड़ा है तो एक की जगह कई पौधे आप लगा पाएंगे। और एक ख़ास बात है कि बीज से नहीं उगाना चाहते हैं, पौध तैयार नहीं करना चाहते हैं, तो एक प्लांट ले आइए और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर उसकी कटिंग आप अलग अलग जगह लगा सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो इससे एक प्लांट लाएंगे तो अनेक प्लांट आप बना पाएंगे। और फिर उससे बीजों का कलेक्शन कीजिए अगले साल के लिए, आपको बार बार बीज खरीदने की भी झंझट नहीं होगी। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो हाँ, पानी चाहिए होता है, मिट्टी मॉइस्ट हो,
और बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो स्टेम वगैरह होती हैं थोड़ी सी सर्कुलेंट टाइप की होती हैं, इनकी जो डालियाँ होती हैं उन्हें पानी स्टोर होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस गमले में नमी बनी रहे। और बरसातों में लगाना रहता है तो मिट्टी का विशेष ख्याल रखिए, उस पॉट को विशेष ध्यान दीजिए जिसमें आप लगा रहे हैं, ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए, पानी नहीं रुके, अगर पानी रुकेगा तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं होता है, बरसातों में बिना किसी फर्टिलाइज़र के बढ़िया चलेगा, जो मिट्टी में आपने मिलाया है फर्टिलाइज़र वही काम करता रहेगा। और बाद में आप इसमें मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी फ्लावरिंग आपको देख। सो गाइस, एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, लेके आई थी खासकर जो बिगनर्स हैं उनके लिए, जिनको गार्डनिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है वो भी इस प्लांट को बहुत आसानी से लगाएंगे, और ना किसी चीज़ का झंझट है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और भर भर के फूल आएंगे, और पूरी सर्दी ये बने रहेंगे आपकी छत पर, यहाँ तक कि मार्च तक आपकी छत की शोभा बढ़ाएंगे, आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।